दोस्तों आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से आया नया अपडेट, अगर आप भी देखना चाहते हो तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं। तो चलो बिना टाइम गमाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईटीआर में फर्जी किराए की रसीदें लगाने वाले हो जाएं सावधान, आईटी डिपार्टमेंट की रडार में है ये लोग। वो कर्मचारी जिन्हें सैलरी मिलती है और टैक्स पेयर भी हैं, वह जरा सतर्क हो जाएं, क्योंकि आयकर विभाग की रडार पर ऐसे कई कर्मचारी हैं जो करीबी रिश्तेदारों से फर्जी किराए की रसीदें, फर्जी डोनेशन और कर चोरी के कई अनैतिक तरीकों को अपनाते हैं। 50 लाख रुपए से अधिक कमाने वाले वेतन भोगी व्यक्तियों के लिए 10 लाख के भीतर पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है। वहीं 50 लाख रुपए से कम कमाने वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्मूल्यांकन 8 लाख तक किया जा सकता है। साथ ही रिकॉर्ड के कम्प्यूटरीकरण से आईटी विभाग को राजनीतिक दलों या धार्मिक ट्रस्टों द्वारा अपने कर रिटर्न में उल्लेखित डाटा का व्यक्तियों द्वारा उल्लेखित दान विवरण के साथ मिलान करने में मदद मिलती है। आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए एक सहायक को काम पर रखने के लिए धारा 10 के तहत भत्ता यानी होम लोन या होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज के लिए आईटी अधिनियम की धारा 24 के तहत कटौती। रिपोर्ट में अज्ञात स्रोतों का हवाला देते हुए उल्लेख किया गया है। आईटी विभाग ने करदाताओं से आईटीआर तैयार करने और दाखिल करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील या आईटी पेशेवर के नाम, पता और संपर्क नंबर का खुलासा करने के लिए कहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पहले कर अधिकारियों से बचना अपेक्षाकृत आसान था, जबकि वर्तमान में रिटर्न को राजस्व विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर द्वारा रेड फ्लैग दिखा दिया जाता है। दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना यह जानकारी आपको कैसी लगी।